तो हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एस्ट्रा प्रो थीम फ्री डाउनलोड। ना आपको मैं इस वीडियो में ना एस्ट्रा प्रो थीम आपको फ्री मिलने वाला, और कैसे आप एस्ट्रा प्रो थीम को आप कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, एस्ट्रा प्रो जो है एक तरह से ये प्लगइन, आपको प्लगइन में जाके इसको अपलोड करना है। मैं आपको विद प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एस्ट्रा प्रो प्लगइन को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। सो वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। सो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आपको प्रॉपर हम गाइड करने वाले कि कैसे आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए। सो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एस्ट्रा प्रो। जैसे मैंने एस्ट्रा प्रो सर्च किया, यहाँ पर देखो टॉप पे एक वेबसाइट आ रही है इस तरह की। सो इस पे जाके मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो वेबसाइट के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो एस्ट्रा आ गए, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है एस्ट्रा प्रो, ये देखो आ गया इसके अंदर। सो अभी मैं एस्ट्रा प्रो वाले पे करता हूँ क्लिक, है ना, जो आपको हेडर पे दिख रहा है। जैसे मैंने प्रो पे क्लिक किया, यहाँ पर जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो आपको इसके प्रो के आपके सारे आपको फीचर्स दिख जाएंगे। जैसे हेडर बिल्डर, ये आपको बता दू ये सारे एलिमेंट है, आप ये सारे एस्ट्रा के एलिमेंट है, वही प्रो वाले हैं। सो आप इसको एक बार जाके चेक करके देख लेना इस वेबसाइट के अंदर, आप जैसे आप विजिट करेंगे। सो अभी मैं नीचे जाता हूँ, आपको जो ये सारे आपको इंटीग्रेशन मिल जाएंगे, ये आपको दिख रहा है ये प्लगइन से, इसके सारे इंटीग्रेशन आपको मिल जाएंगे प्रो में। फिर जैसे मैं नीचे गए, आपको जो एक ऑप्शन दिख रहा है गेट स्टार्टेड नाउ। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो फिर एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर देखो इसकी प्राइसिंग आ गया, मतलब इसके एस्ट्रा प्रो के यहाँ पर देखो इसके प्लान आ गए। यहाँ पर देखो अभी एनुअल में अभी देखो सिलेक्टेड है, अभी देखो यहाँ पर एनुअल में देखो अभी कितने का मिल रहा है, यहाँ पर देखो $59 का मिल रहा है, वो भी एक साल के लिए। और यहाँ पर देखो एसेंशियल टूल किट में यहाँ पर 99, फिर इसके बाद बिजनेस वाले में देखो 159 का मिल रहा है, वो भी एक साल के लिए। अगर मैं इसको लाइफ टाइम के लिए देखूं तो यहाँ पर देखो 299 का, 599, यहाँ पर 659 का मिल रहा है। और यही जो प्लगइन में आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। कैसे देने वाला हूँ, आपको करना है कि आपको चलाना है इस वाली वेबसाइट पे, है ना। इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। सो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया गेट, जिसका आपको देखो यहाँ पर 499 का अमाउंट आ रहा है। आपको यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करना है, आपको यहाँ पर ₹0 अमाउंट पे करना है, है ना। सो कैसे करना है, आपको यहाँ पर करना है गेट दिस पर क्लिक। जैसे आपने गेट दिस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो एस्टर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन आ गया। यहाँ पर देखो लाइफ टाइम एक्सेस भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो आपको क्या मांग रहा है, नेम, ईमेल और फोन नंबर मांग रहा है। आपको यहाँ पर नेम, ईमेल, फोन नंबर डाल देना। और मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे आपने नेम, ईमेल, फोन नंबर डाल दें, फिर आपको देखो एक ऑप्शन आ रहा है एड डिस्काउंट कोड का। फिर मैं करता हूँ एड डिस्काउंट कोड पर क्लिक। जैसे मैंने एड डिस्काउंट कोड पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड डालना हो। जैसे ही यहाँ पर डिस्काउंट कोड डाल देंगे, फिर आपको यहाँ पर अमाउंट जो है फिर ₹0 आ जाएगा, है ना। सो आप डिस्काउंट कोड को अप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट कोड भी डाल के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं चलो डिस्काउंट कोड डाल देता हूँ। जैसे मैंने डिस्काउंट कोड डाला, फिर मैं करता हूँ अप्लाई कोड पर क्लिक। जैसे मैंने देखो अप्लाई कोड पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो अब ₹0 अमाउंट आ गया। फिर आपको कन्फर्म एंड पे कर देना है। तो अभी मैं इस डिस्काउंट कोड को भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखेंगे, जिससे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप ना इस थीम फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। सो आपको मैं इसका जो डिस्काउंट कोड है वीडियो को एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। सो वीडियो को एंड में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। सो जैसे आप है ना कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे, फिर आपको एक फाइल मिल जाएगी, है ना। सो अभी मैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाके एक बार एस्टर प्रो की फाइल दिखा देता हूँ। सो अभी जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पर देखो फाइल मैनेजर के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो ये आ गई एस्टर प्रो एड ऑन प्लगइन। आपको ये वाला प्लगइन मिलने वाला, आपको इस तरह का प्लगइन मिलेगा, आपको ऐसा ही प्लगइन आपको सीधा अपलोड करना है। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट। सो अभी मैं जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पर देखो मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर अभी मैं आ गया हूँ। सो अभी मैं चल जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर, थीम पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इस पर थीम पर क्लिक किया, फिर आपको एक ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है एड थीम का, फिर आपको एड थीम पर करना है क्लिक। जैसे मैंने एड थीम पर क्लिक किया, फिर आपको देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है एस्टर थीम का, फिर आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपको देखो इंस्टॉल का एक ऑप्शन दिख रहा है, फिर आपको इसको इस थीम को आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। अभी मैंने कर दिया इंस्टॉल, फिर मैं कर देता हूँ इसको एक्टिवेट। सो यहाँ पर देखो मैंने एस्टर की थीम को यहाँ पर देखो इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया। सो अभी मैं इसको फ्री वाला वर्जन एक बार आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। सो अभी मैं आता हूँ एस्ट्रा के अंदर, यहाँ पर देखो डैशबोर्ड के अंदर कर देता हूँ क्लिक। अभी यहाँ पर मैं देखो मैंने प्लगइन्स नहीं अपलोड किए, अभी मैं आपको प्लगइन्स अपलोड करके भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो मैंने एस्ट्रा की अभी थीम को अभी अपलोड किया है। तो यहाँ पर देखो एस्ट्रा के डैशबोर्ड के अंदर देखो आपको ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर देखो ये लिखा है फ्री वर्जन, अभी आपको देखो यहाँ पर फ्री वर्जन का भी आपको फीचर्स दिख रहा है। देखो फ्री के अंदर देखो आपको ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ये देखो ये लॉक वाले जो ऑप्शन आ रहा है, देखो लॉक ये आ रहा है ना, ये आपको सारे जो फीचर्स है ना आपको एस्ट्रा प्रो में मिलेंगे, है ना। आपको
आपको मैं एसर प्रो अपलोड करूंगा, फिर है ना ये जो फीचर्स है ना, मतलब ये जो एलिमेंट है फिर है ना अनब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये आ रहा ना एसर प्रो मॉड्यूल्स, हाँ क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये जो फीचर्स है वो एलिमेंट प्रो में ही आपको मिलेगा, है ना। ये आपको देखो साइट आइडेंटिटी में हेडर मेन्यू फुटर कलर टाइपोग्राफी ये आपको फ्रीज में मिल जाए ना। फिर आपको चलाना सेटिंग में, सेटिंग में आपको सारी चीज मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो स्टार्टर टेम्पलेट में आपको देखो ये प्लगइन मिल जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर डेमो आपको मिल जाएंगे स्टार्टर टेम्पलेट के। फिर आपको देखो फ्री ऊपर से प्रो वाले प्लान भी आ गए हैं ना। सो ये सारे जो अभी फ्री वाले फीचर्स है, अभी मैं आपको प्रो वाले अपलोड करके बताने वाला। सो अभी मैं जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर कर देता हूँ ऐड प्लगइन्स पर क्लिक। जैसे मैंने ऐड प्लगइन्स पर क्लिक किया ऊपर एक आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड प्लगइन्स का, फिर आपको ना अपलोड प्लगइन्स पर करना है क्लिक, फिर करना है इस पर चूज अ फाइल पर क्लिक। फिर आपको यहाँ पर देखो एस्ट्रा प्रो की जो फाइल आ रही है जो मैंने डाउनलोड किया था, आपको उसको सेलेक्ट कर देना, फिर करना है ओपन पर क्लिक, फिर इसको कर देना इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। सो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम आप वैसा करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यहाँ पर देखो एस्ट्रा प्रो एड ऑन प्लगइन्स यहाँ पर देखो आ गए, मतलब हमारा जो प्लगइन यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर देखो अब एक्टिवेट का भी ऑप्शन दिख रहा है, सो मैं एक्टिवेट प्लगइन्स पर कर देता हूँ आप क्लिक। जैसे मैंने एक्टिवेट प्लगइन्स पर क्लिक किया यहाँ पर देखो प्लगइन यहाँ पर देखो इंस्टॉल और एक्टिवेट होगा। यहाँ पर देखो लिखा का एस्ट्रा प्रो की फाइल है ना। सो अभी मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। सो अब मैं चले आता हूँ एस्ट्रा के अंदर है ना। सो मैं आता हूँ देखो डैशबोर्ड के नीचे आ रहा है एस्ट्रा, एस्ट्रा के अंदर चले जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। जैसे मैं डैशबोर्ड के अंदर गए यहाँ पर देखो ये प्रो वाला भी ऑप्शन आ गया, देखो लिखा आ गया आपको देखो टॉप पे आपको दिख रहा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है प्रो वाला। देखो ये प्रो वाला प्लगइन मैंने लगा दिया है, पहले आपको फ्री दिख रहा था है ना। यहाँ पर देखो आ गया वेलकम टू एस्ट्रा प्रो वर्जन, यहाँ पर देखो लिखा आ गया पहले फ्री वर्जन लिखा था। तो पहले देखो यहाँ पर लोग वाला आइकन आ रहा था, देखो अब ना अब नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने प्रो फाइल को अपलोड कर दिया है। सो अब मैं सभी को कर देता हूँ इनेबल, आप सब एक एक करके भी इनेबल कर सकते हैं या फिर आप एक्टिवेट ऑल करके भी कर सकते हो सभी को इनेबल। तो यहाँ पर देखो सारे जो मॉड्यूल यहाँ पर देखो एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ पर देखो ये जो अभी हाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लर्न डेस्क का जो प्लगइन नहीं लगा, यहाँ पर इजी डिजिटल डाउनलोड का प्लगइन नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर देखो हाइड करके बता रहे हैं। जैसे मैं प्लगइन लगाऊंगा फिर यहाँ पर देखो हाइड कर रहा, फिर यहाँ पर हाइड से फिर हट जाएगा, मतलब थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर डल आ रहा है ना। सो अभी यहाँ पर देखो प्लगइन मैंने लगा दिया ऐसा प्रो का। अब मैं चला दो सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखो यूर लाइसेंस यहाँ पर देखो एक्टिवेट यहाँ पर लिखा आ गया। सो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर। स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर देखो यहाँ पर आ रहा है 300 स्टैंडिंग टेम्पलेट, आपको देखो 300 से ज्यादा यहाँ पर देखो स्टार्टर टेम्पलेट मिलने वाले फ्री, आपने स्टार्टर टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। अभी मैं करके बताता हूँ। सो अभी मैं करता हूँ स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक। जैसे मैंने स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक किया यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है एआई वेबसाइट बिल्डर, फिर दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, आपको करना है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के नीचे जो आ रहा है बिल्ड विद टेम्पलेट, आपको इस पर कर देना फिर क्लिक। फिर आपको देखो सेलेक्ट या पेज बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर किस बिल्डर में आप कंफर्टेबल है आप, या फिर आप एलिमेंटर में या फिर आप वर्डप्रेस या एडिटर के अंदर कंफर्टेबल है, तो उसको सेलेक्ट करके फिर आप यूज कर सकते हो। सो अभी मैं एलिमेंट को करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया सो हमारे देखो सारे जो टेम्पलेट जो है एलिमेंटर के आप आ गए। हाँ ये देखो यहाँ पर कितने सारे आपको टेम्पलेट दिख रहा है, मैं आपको एक बार एक्सप्लोर करके दिखा दूँ, आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे आपको है ना, आपको जो दिखा दिए है ना। हाँ सो इसमें आपको बता दो, इसमें देखो आपको प्रीमियम जो दिख रहा है ना प्रीमियम, आप है ना प्रीमियम वाले को इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप प्रीमियम के अलावा आप है ना सारे टेम्पलेट को आप फिर इम्पोर्ट कर पाएंगे है ना। प्रीमियम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ना प्रीमियम का जो स्टार्टर टेम्पलेट आता है प्रीमियम वाला वो जो प्लगइन नहीं अपलोड किया, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट फ्री वाले को आप इम्पोर्ट कर पाएंगे। ये जो सारे जो टेम्पलेट मिल रहे हैं ना हमें ये प्लगइन्स के अंदर जाके मिल रहा है जो अभी मैंने इम्पोर्ट किया था 300 प्लस वाले है ना। सो अभी मैं किसी एप को करता हूँ इम्पोर्ट जिससे कि आपको समझ आ जाए कि है ना इस तरह से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं डेमो कंटेंट को है ना। सो अभी मैं डे केयर सर्विस वाले को करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर देखो डे केयर वाले सर्विस पे कर दिया क्लिक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज साइड लोगो, यहाँ पर देखो फोन पेयर का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कलर पैलेट का आ रहा है ना। आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा, अभी देखो ये हो जाएगा हाँ, ये देखो चेंज हो रहा है, ये देखो रेड किया रेड आ गया है ना। आप यहाँ से फोन को भी चेंज कर सकते हो, अभी मैं फोन को भी करके दिखाता हूँ, ये देखो ये हुआ, ये देखो ऐसा हुआ हाँ, इस तरह से आप फोन को भी चेंज कर सकते हो। आप ना यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आप ना थीम को इम्पोर्ट करने के बाद भी आप कस्टमाइज के अंदर भी जाके इसमें ना चेंजेस कर सकते हो, कस्टमाइज के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो अभी मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। आप ना साइट लोगो को भी ना बाद में लगा सकते हैं कस्टमाइज के अंदर जाके। सो अभी मैं कंटिन्यू पर करता हूँ क्लिक। फिर उसके बाद देखो सेलेक्ट फीचर्स आ गए, यहाँ पे तो पेज बिल्डर आ रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। सो मैं सभी को कर देता हूँ सेलेक्ट जो जो आप फीचर्स लेना चाहते हैं। सो अभी मैंने सभी को कर दिया है। सो इसको करता हूँ कंटिन्यू पर क्लिक है ना। सो यहाँ पर देखो आप देखो फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पर मैं फॉर्म को भर देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने नाम डाल दिया अपना सचिन कुशवाहा, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है, फिर आप यहाँ पर डाल देना है आई एम बिगनर हो या एक्सपर्ट हो या इंटरमीडिएट हो ना। फिर आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट किसके लिए काम कर रहा है, अपने खुद के लिए या क्लाइंट के लिए, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रख देना। फिर आपको इसको कर देना चेक मार्क।
मार्क जो मैंने अभी कर दिया है ना, फिर इसको देखो यार आई अंडरस्टैंड लेस्ट को, फिर आपको देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, फिर आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे देखो हमारे जो टेम्पलेट है यहाँ पे देखो अब इम्पोर्ट होना अभी स्टार्ट हो गए। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो 13% 15% हो गया है। सो यहाँ पर देखो हमारा जो यहाँ पर डेमो कंटेंट यहाँ पे देखो इम्पोर्ट हो गया है। यहाँ पर देखो कंग्रेचुलेशन लिखा आ गया। यहाँ पर देखो अब एक मिनट भी नहीं लगा, यहाँ पर देखो 34 सेकंड में यहाँ पर देखो डेमो डेटा यहाँ पे देखो इम्पोर्ट हो गया है। सो अभी मैं इस पर करता हूँ व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक। सो इसको मैं न्यू टैब में करता हूँ ओपन। यहाँ पर देखो इसको मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। यहाँ पर देखो ये मेरी वेबसाइट आ गई। यहाँ पर देखो जैसा मैंने आपको डेमो दिख रहा था सेम देखो वही यहाँ पर देखो इम्पोर्ट हुआ है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर देखो, है ना, कोई भी यहाँ पर देखो प्रॉब्लम नहीं आई। सेम देखो वही यहाँ पर देखो इम्पोर्ट हुआ है जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था, मतलब प्रीव्यू में दिखाया था इम्पोर्ट करने से पहले, है ना। कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर देखो होम पेज। आपको मैं अबाउट पेज भी दिखा देता हूँ। देखो ये आ गया अबाउट पेज, है ना। प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ, ये रहा प्रोग्राम वाला पेज। फिर आपको मैं एडमिशन वाला पेज दिखा देता हूँ, ये रहा एडमिशन वाला पेज। यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट वाला पेज आ गया है ना। सुनिए यहाँ पर देखो कितना अच्छा यहाँ पर देखो डेमो डेटा आपको दिख रहा है, मतलब इम्पोर्ट करने के बाद भी हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छी दिख रही है ना। सो आप इस तरह से आप डेमो डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हो स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद। और मैंने एस्ट्रा प्रो के जो फीचर्स भी मैंने आपको दिखा दिए है ना, ऐसे आप अपलोड कर सकते हो एस्ट्रा प्रो प्लगइन को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो या प्लगइन की फाइल या थीम की फाइल कौन सी आपको चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही बता देना। सो अब बात करते हैं आपको एस्ट्रा प्रो का। सो अब बात करते हैं आपको एस्ट्रा प्रो प्लगइन आपको फ्री में कैसे मिल सकता है। उसके लिए आपको करना क्या, आपको ना इस वीडियो कर देना लाइक और कमेंट, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना, फिर मैं आपको इसका जो डिस्काउंट कोड है इंस्टाग्राम पर डीएम करके प्रोवाइड करा दूंगा। सो अभी मैं आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखा देता हूँ, है ना। सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। आपको इस वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट फिर मुझे भेज देना, फिर मैं आपको डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड है डीएम करके ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो और वर्डप्रेस के प्रीमियम फाइल प्लगइन की फाइल फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और मैंने इससे पहले बहुत सारे सब्सक्राइबर को प्रीमियम फाइल या प्लगइन की फाइल है ना फ्री में प्रोवाइड कराई है। तो आप भी जाके मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आपको कौन कौन सी फाइलें अभी फ्री में मिल सकती है।